All right, I'm going to cut straight across to Gaurav Vallabh, once a Congress veteran, now all set to join the BJP. He's at the BJP headquarters, and this move comes after Gaurav Vallabh gave his resignation, saying that the Congress party is derailed. They don't have a vision and they're directionless. And at this point, he decides to quit the Congress and join the BJP. In fact, it didn't take even a few hours before he arrived at the BJP headquarters and has been welcomed wholeheartedly. संजय जी ने कहा, वैसे चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही है। गौरव जी, अनिल जी, उपेंद्र जी, इन सब का ज्वाइनिंग और स्वागत तो हमने किया है। कल जैसे मैंने 3 सवाल पूछे, आज भी मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति का सम्मान करते हुए दिख रहे हैं। कोई बुजुर्ग महिला किसी कार्यक्रम में मंच पे आई तो चरण छूते हुए हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है, लेकिन कांग्रेस में महिलाओं के प्रति क्या रवैया है समझ में नहीं आ रहा है। कभी उनकी प्रवक्ता कुछ बोलती है, कल सुरजेवाला जी ने जो वक्तव्य किया है। एक बार कांग्रेस अपनी भूमिका साफ करे कि क्या महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं का अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर करना, यही हालात बदलेगा क्या? ये कहीं कम लग रहा था तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं मोदी जी की सर फोड़ने की बात। मतलब विपक्ष के मुद्दे शायद खत्म होते जा रहे हैं और ऐसी बातों का सहारा लेते हुए, मतलब कोई नेता इस प्रकार की बात कर सकता है? तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष समझ जाए कि देश की जनता मोदी जी को चाहती है, वो लाठी उठाने वाले का क्या हाल कर सकती है आप समझ लो। और इसलिए कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष का ये वक्तव्य के बारे में क्या कहना चाहती है वो हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। और जिस कच्चा टीपू द्वीप की बात हमने कही थी, अब उसको लेकर कांग्रेस के सहयोगी एमडीएमके ने कहा कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता से धोखा किया। ये घमंडिया गठबंधन के सदस्य ही कह रहे हैं, इसका जवाब राहुल जी क्या देंगे ये सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। आज यहां पर हमने प्रोफेसर गौरव जी का पार्टी में ज्वाइनिंग करते हुए स्वागत किया है। लगभग 1 दशक से कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और शिक्षा जगत में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं है। और कई बार संजय मयू और अनिल बलूनी सब टीम बैठती है तो गौरव वल्लभ अगर डिस्कशन में जा रहे हैं तो फिर उस प्रकार कोई सीनियर जाना चाहिए। ऐसी चर्चा उनके कमरे में मैंने सुनी है और ऐसे गौरव जी का आज पार्टी ज्वाइनिंग हो रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही बिहार कांग्रेस अपना अस्तित्व खत्म करने के लिए खुद तुली है। जिस प्रकार प्रदेश के नेतृत्व को पूछे बिना बिहार के कांग्रेस पार्टी पर कुछ निर्णय थोपे जा रहे हैं और उससे वहां के नेता काफी दुखी है। अनिल शर्मा जी जो कांग्रेस कमेटी के बिहार के अध्यक्ष रहे हैं और उनके छात्र जीवन में छात्र संघ के अध्यक्ष तो रहे, लेकिन एक छात्र नेता के नाते, जुझारू नेता के नाते उनका परिचय रहा। वो भी आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और उपेंद्र प्रसाद जी जो महागठबंधन के केवल प्रत्याशी नहीं तो एक उस बिहार के इलाके में एक शक्ति रही, आज उपेंद्र जी भी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को मजबूत करने के लिए जुड़ चुके हैं। इन तीनों का मैं स्वागत करता हूं और इन तीनों के आने से मैं मानता हूं कि गौरव जी है, अनिल जी है, उपेंद्र जी है, इन तीनों के पार्टी प्रवेश से पार्टी को तो बल मिलेगा, लेकिन उनकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए हम जो विकसित भारत की संकल्पना लेकर चल रहे हैं उस पर और गति से चल पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद।